दोस्तों ओल्ड इज गोल्ड में आज हम स्वास्थ्य चर्चा में हमें कमेंट्स में एक हमारे दोस्त ने लिखा है कि घरेलू कुछ स्वास्थ्य संबंधी सेक्स संबंधी टिप्स देवें ताकि हर आदमी कर लेवे और सस्ते से सस्ता हो। तो देखिए हम कुछ घरेलू टिप्स दे रहे हैं आपको। नपुंसकता तक उससे दूर होती है, सेक्स की हर प्रॉब्लम उससे ठीक होती है, लेकिन हम एक आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि इस टिप्स के अंदर कुछ ऐसे नुस्खे हैं जो किसी ऐसे वैद्य की राय लेकर ही करें, अपने मन से ना करें। ये हम आपको सबसे पहले बताते हैं। देखिए हम टिप्स दे रहे हैं आपको। नारियल कामों उत्तेजक होता है। ये नारियल जो अभी खूब आ रहा है और हमेशा ही मिलता है, ये काम को बढ़ाने वाला और काम को उत्तेजित करने वाला, सेक्स पावर बढ़ाने वाला और वीर्य को गाढ़ा करने वाला होता है। ये बहुत सरल नुस्खा है, इसको कर सकते हैं आप। और इसका सेवन करने से घुटनों में दर्द कभी नहीं होगा, पीठ में दर्द कभी नहीं होगा। दूसरा अंकुरित गेहूं। अंकुरित गेहूं बिना पकाए खाएं, स्वाद के लिए गुड़ या किशमिश इसमें मिला सकते हैं। अंकुरित गेहूं को बिना पकाए खावें और टेस्ट के लिए गुड़ या किशमिश मिला सकते हैं। इसमें विटामिन ई खूब होता है और ये नपुंसकता को ठीक करता है। ये इससे सरल और क्या नुस्खा होगा। हींग को शहद के साथ पीस कर और जो शिश्न या लिंग पर लेप करके और उसके बाद यदि संभोग करेंगे तो उसमें अलग ही आनंद आएगा, बहुत लुफ आएगा। इसको एक बार और बोलता हूँ मैं। हींग को शहद के साथ पीस कर शिश्न या लिंग पर लेप करके संभोग करने से संभोग में आनंद आता है। और नुस्खा माल कांगने तेल को पान के पत्ते पर लगाकर 2 ग्राम बीज उसके माल कांगने के खीर के साथ खाने से नपुंसकता मिटती है। हमने माल कांगने का वीडियो भी जारी किया और इसके अंदर भी घरेलू नुस्खों में भी इसे शामिल किया है। माल कांगने के तेल को पान के पत्ते पर लगाकर 2 ग्राम बीज खीर के साथ खावें। पान के पत्ते पर लगाकर तो बांधना है और 2 ग्राम सॉरी माल कांगने तेल को पान के पत्ते पर लगा करके 2 ग्राम बीज खीर के साथ खावें। पान के पत्ते पर लगा के उसको लिंग के बांधे और 2 ग्राम बीज खीर के साथ खाने से नपुंसकता मिटती है। एक जो प्रयोग है वो देखिए आग का प्रयोग है। आग का पौधा आप सब जानते हैं, तो ये किसी अच्छे वैद्य की देखरेख में करें। देखिए छुहारों की गुठली निकालें, छुहारे होते हैं उसकी गुठली निकाल करके उसमें आग का दूध भर देवें, फिर उस पर आटा लपेट कर और उसको पकावें। आटा जल जाने पर छुहारे निकाल लेवें और उनको पीस करके मटर के समान गोलियां बना लें। 1-2 गोली सोते समय लेने से और ऊपर मिश्री मिलावा दूध पीने से संभोग शक्ति बढ़ती है। ये बड़ा दिव्य नुस्खा है, लेकिन ये आँख है एक विषैला पौधा है, किसी की देखरेख में करें, वैद्य की देखरेख में करें। एक और इसी आँख का नुस्खा, आँख की छाया में सूखी जड़ 20 ग्राम, आँख की जड़ को छाया में सुखा करके 20 ग्राम और 500 ग्राम गाय के दूध में उबाल करके उसका दही बना लें, फिर उसका घी निकाल लें। इस घी को थोड़ा थोड़ा खाने से नामर्द भी मर्द बन जाता है। आग की छाया में सूखी हुई जड़ 20 ग्राम 500 ग्राम गाय के दूध के अंदर उबालें और फिर दही बनावें, फिर उस दही का घी निकालें। इस घी को थोड़ा थोड़ा रोटी के साथ खाने से नामर्द भी मर्द बनता है। एक और इसी आग का नुस्खा है, आग का दूध शहद और गाय का घी बराबर लगभग 4-5 घंटे घोट कर शीशी में भरें और सुपारी सीवन छोड़कर धीरे धीरे मसाज करें
ऊपर पान और अरंड का पत्ता बांध देवे। इस तरह 7 दिन मालिश करें, फिर 15 दिन छोड़कर फिर 5-7 दिन मालिश करें तो लिंग संबंधी सब रोग ठीक होते हैं। इसको हम दोबारा बोलते हैं, आग का दूध, शहद और गाय का घी ये बराबर मात्रा, इसको लगभग 4-5 घंटे तक खूब घोटें और उसके बाद इसको शीशी के अंदर भर लेवें और सुपारी और शीशन को छोड़ के और धीरे धीरे 5 मिनट मसाज करें और उसके ऊपर पान का पत्ता और एरेंड का पत्ता बांध लेवें। इस तरह 7 दिन करना है और फिर 15 दिन बाद और करना है। इससे सेक्स संबंधी हर प्रॉब्लम, लिंग की शिथिलता सब दूर होती है। ये बिल्कुल आजमाया हुआ नुस्खा है, लेकिन खूब सावधानी से किसी वैद्य की राय लेके करें। और एक मैं जो नुस्खा बता रहा हूँ उसको किसी की राय लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आज से शुरू कर दें। मुलेठी का चूर्ण 10 ग्राम घी और शहद में चाटने से और ऊपर मिश्री मिला हुआ दूध पीने से नपुंसकता दूर होती है। अब ये कितना सरल नुस्खा है, आप ये कोड़ियों में मिलती है ये मुलेठी। मुलेठी का चूर्ण 10 ग्राम घी और शहद के साथ चाटने से और ऊपर मिश्री मिला हुआ दूध पीने से नपुंसकता ठीक होती है। देखिए, घी और शहद ये समान मात्रा में नहीं होना चाहिए और इस नुस्खे को बेधड़क होकर के आप कर सकते हैं। इसके अलावा कलौंजी का तेल शीशन के ऊपर लगाने से और कमर पर मालिश करने से लिंग संबंधी जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक होती है। देखिए, ये हमने आपको कुछ घरेलू टिप्स दिए हैं, इनमें जो सरल और जो सरल के अलावा जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं वो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से एक तो मुलेठी वाला कर सकते हैं, एक नारियल का कर सकते हैं, एक अंकुरित गेहूं वाला कर सकते हैं, एक हींग शहद वाला कर सकते हैं, एक माल कांगने वाला कर सकते हैं और बाकी कुछ आग के प्रयोग हैं वो किसी वैद्य की देखरेख में करें। परहेज के अंदर खटाई की चीज़ और बादी करने वाली चीज़ नहीं खाएं और कोई तरह का नशा न करें। देखिए, ये कुछ घरेलू टिप्स हमने दिए हैं और ये बड़े कामयाब हैं और भगवान चाहे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। आपके स्वास्थ्य के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। जय श्री राम।